Hello students, in the last video we have solved some numericals on frequency modulation. Now in this video we will solve some more numericals in case of frequency modulation. Okay, now first numerical is an unmodulated FM transmitter power is given. Okay, तो यहां पर जो FM ट्रांसमीटर पावर है, अनमॉड्यूलेटेड FM ट्रांसमीटर पावर, ये आपको गिवन है यहां पर 100 वॉट. ओके, अनमॉड्यूलेटेड FM ट्रांसमीटर पावर गिवन है, इसका मतलब आपको क्या गिवन है यहां पर, इसका मतलब आपको PC पावर गिवन है बिफोर मॉड्यूलेशन. ओके, नाउ अब आपको गिवन है विथ मॉड्यूलेशन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड इन द स्पेक्ट्रम इज जीरो. आपको गिवन है कि विथ मॉड्यूलेशन स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर जो साइड बैंड है, आप इसे एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड इन द स्पेक्ट्रम इज जीरो. ओके, तो जब आप मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर लेते हैं तो जो आपका एम्पलीट्यूड है फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड का, वो आपका जीरो हो जाता है. ओके, सो यहां मेंशन कर देते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड is zero. Okay, ये भी आपको question में given है after modulation. Okay, now आपको बोला है determine करने के लिए part A power of the carrier frequency component after modulation. ठीक है, यहां पर जो आपको power दिया हुआ है वो without modulation carrier का power है. अब आपसे कह रहा है after modulation carrier component power. Okay, so आपको बोल रहा है PC power, but this is after modulation. Okay, ये आपका first question है. Now जो आपका part B पूछा गया है आपसे, वो पूछा गया है total sideband power. Okay, means आपसे PSB पूछा गया है, और जो आपसे part C पूछा गया है वो आपको कहा गया है total second order sideband power. Okay, so आपको sideband power निकालना है but second order का. Okay, तो ये आपके three questions हैं यहाँ पर. क्लियर है पॉइंट अच्छे से. नाउ यहां पर आपको कुछ जे एंड बीटास की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, वो वैल्यूज मैं आपके लिख देता हूं जो आपको क्वेश्चन में अवेलेबल है. फर्स्ट वैल्यू गिवन है आपको J0 2.4, ये आपको गिवन है 0. सेकंड वैल्यू गिवन है J1 2.4, ये आपको गिवन है 0.34. थर्ड वैल्यू गिवन है J2 2.4, ये आपको गिवन है 0.26. फोर्थ वैल्यू गिवन है J0 3.8, ये आपको गिवन है 0.4. नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज J1 3.8, ये आपको गिवन है 0. नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज J2 3.8, ये आपको गिवन है 0.2. नाउ नेक्स्ट वैल्यू जो गिवन है J0 5.1, ये आपको गिवन है 0.38. नेक्स्ट वैल्यू गिवन है J1 5.1, ये आपको गिवन है 0.3. ओके, एंड लास्ट वैल्यू गिवन है J2 5.1, ये आपको गिवन है 0. ओके, तो इतनी सारी आपको जे एन बीटा की वैल्यू गिवन है. एक्चुअल में अगर आपने लास्ट वीडियो फॉलो की है तो आप समझ गए होंगे कि सारी वैल्यूज आपकी यूज नहीं होंगी, इनमें से कुछ वैल्यू यूज होंगी. आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी वैल्यूज यूज होने वाली है. ओके, नाउ अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहां पर कैरियर पावर विथआउट मॉड्यूलेशन गिवन है 100 वॉट. ओके, अगर आप मेरी पावर कैलकुलेशन वाली वीडियो देखेंगे वाइड बैंड एफएम में, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि जो कैरियर पावर विथआउट मॉड्यूलेशन होता है वही आपका विथ मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटेड पावर होता है. दैट मीन्स यहां पर आपको सॉल्यूशन पार्ट में आप लिख सकते हैं कि जो पीटी पावर है वो भी आपका कितना होगा, 100 वॉट ही होगा. ओके, और ये कैरियर पावर विथआउट मॉड्यूलेशन कहिए या पीटी पावर आफ्टर मॉड्यूलेशन कहिए, दोनों का फॉर्मूला ही होता है AC² / 2. तो बेसिकली आपको AC² / 2 यहां पर 100 गिवन है. ओके, नाउ अब अगर मैं यहां पर पार्ट ए को देखूं तो पार्ट ए में आपसे पूछा गया है कैरियर कंपोनेंट पावर आफ्टर मॉड्यूलेशन. यहां ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको पावर कैलकुलेशन वाली वीडियो में बताया था, यहां थ्री टाइप्स के पावर हैं एक्चुअली. अगर मैं कैरियर के रेस्पेक्ट में बात करूं तो एक होता है आपका कैरियर पावर विथआउट मॉड्यूलेशन पीसी, एक होता है आपका कैरियर पावर आफ्टर मॉड्यूलेशन
ठीक है ना, जो ए सी जे जीरो बीटा था आपका, उस टर्म का पावर था आपका, ठीक है, और एक टर्म था आपका टोटल पावर आफ्टर मॉड्यूलेशन जो आपका पीटी था, ठीक है। उसके अलावा साइड बेंड पावर भी होता है जिसे अभी मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्लियर है पॉइंट। तो आप यहां पर देखिए, आपको बोला है पीसी पावर आफ्टर मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे ये है मेरा फॉर्मूला, पीसी पावर आफ्टर मॉड्यूलेशन, ये फॉर्मूला होता है ए सी स्क्वायर जे जीरो स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय टू, ओके। तो यहां पर आप इस फॉर्मूले में ध्यान से देखेंगे तो आपको जे जीरो बीटा की वैल्यू चाहिए, ए सी स्क्वायर अपॉन टू की वैल्यू तो आपको पता है अच्छे से, तो जे जीरो बीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी। यहां पर आप देखिए, ये जो आपका जे जीरो की वैल्यू या जे वन की वैल्यू या जे टू की वैल्यू आपको गिवन है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लें तो आपको जे जीरो ऑफ समथिंग आपको पता चल जाएगा। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि या तो बीटा की वैल्यू 2.4 होगी, या तो 3.8 होगी, या तो 5.1 होगी, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब हमको पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड होता है वो कितना होता है, ए सी जे वन बीटा, इस टर्म पे आपका डिपेंड करता है फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड। अगर ये आपका जीरो है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है ए सी तो जीरो है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, जे वन बीटा जो है वो जीरो होगा, ठीक है। अब आप देखिए जितनी वैल्यूज आपको गिवन है उसमें देखिए, जे वन, जे वन की आपको थ्री वैल्यूज गिवन है, जे वन 2.4, जे वन 3.8 एंड जे वन 5.1, देखिए कौन सा जे वन जीरो है। तो आप देख सकते हैं जे वन 3.8 आपका जीरो है, इसका मतलब क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में आपका जो बीटा है वो है आपका 3.8, ये आपको यहां से पता चल गया। तो इसकी मीनिंग क्या है, आपको बीटा इक्वल टू 3.8 के लिए ही जे जीरो बीटा कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स जे जीरो 3.8। तो आप देखिए यहां पर जो जे जीरो 3.8 है वो कितना है आपका, 0.4 है, आप देख सकते हैं यहां पर क्लियरली, ओके। तो 0.4 वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए ए सी स्क्वायर बाई टू कितना है आपका 100 इंटू 0.4 का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है पॉइंट, अच्छे से बन जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है साइड बैंड पावर कैलकुलेट करने, टोटल साइड बैंड पावर। तो देखिए सेकेंड पार्ट बहुत ईजी है, आपको पता है टोटल जो पावर है वो पीटी है, ठीक है, और टोटल पावर कॉम्बिनेशन है साइड बैंड पावर प्लस कैरियर पावर आफ्टर मॉड्यूलेशन का, ओके। तो यहां से अगर आप पीएसबी निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, टोटल पावर पीटी 100 है और कैरियर पावर आफ्टर मॉड्यूलेशन 100 इंटू 0.4 का स्क्वायर है, बस आपको माइनस करना है इसे, तो कितना हो जाएगा पीएसबी आपका 100 माइनस 100 इंटू 0.4 का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, टोटल साइड बेंड पावर, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, थर्ड क्वेश्चन पूछा है सेकेंड ऑर्डर साइड बेंड पावर। तो सेकेंड ऑर्डर मींस अपर साइड बेंड एंड लोअर साइड बेंड, दोनों का एडिशन, दोनों पावर का एडिशन चाहिए आपको, ठीक है। नाउ जो सेकेंड ऑर्डर साइड बेंड्स होती हैं उनका पावर क्या होता है आपका, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इसके फॉर्मूले को, ठीक है। तो पी एस बी, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर ये होता है आपका ए सी स्क्वायर जे टू स्क्वायर बीटा, ओके। हम लोग ऑलरेडी ये फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर आ गया ए सी स्क्वायर जे टू स्क्वायर बीटा, इसकी मीनिंग क्या है, ए सी स्क्वायर आपको पता है कितना है 200, ठीक है, आप पुट कर दीजिए इंटू जे टू बीटा, दैट मीन्स बीटा क्या है आपका 3.8, दैट मीन्स जे टू 3.8, देख लीजिए कितना वैल्यू है 0.2, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, क्लियर है पॉइंट। तो दिस इज 200 इंटू 0.2 का स्क्वायर, ये आपका आ गया सेकेंड ऑर्डर साइड बैंड पावर, क्लियर है। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपने किया है, क्योंकि जब हम लोगों ने पावर कैलकुलेशन किया था तब भी मैंने आपको कहा था कि एफएम में बहुत टाइप्स के पावर होते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कंसीडर किया है यहां पर, ताकि आपको पावर कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो। जहां तक फॉर्मुलों का पॉइंट है, फॉर्मुलेज आप वीडियोस से, जो पावर कैलकुलेशन वाली वीडियोस है उनसे आप फॉलो कर सकते हैं,
मैंने यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूले यूज किए हैं, मैंने फॉर्मूले डिराइव कर लिए हैं पावर कैलकुलेशन वाली वीडियो में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू में आपको यहां पर दिया गया है कैरियर फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज। ओके, आपको एक कैरियर फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 किलोहर्ट्ज, और आपको बोला गया है कि आप एक एफएम मॉड्यूलेटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप कोई मैसेज सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं और कैरियर अप्लाई कर रहे हैं, और इस एफएम मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट है वो आपको गिवन है, इस एफएम मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट है वो आपको गिवन है यहां पर कॉस, ओके, 2 पाई इंटू 2000 टी प्लस 40 टी स्क्वायर। ओके, और आपको ये कह रहा है डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ओके, तो यहां पर आपको कहा गया है कि एक एफएम मॉड्यूलेटर है जिसमें आप कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं 2 किलोहर्ट्ज, और एक आप मैसेज सिग्नल का यूज कर रहे हैं, और एफएम मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट है वो इस तरह से है। आप यहां पर फ्रीक्वेंसी डेविएशन कैलकुलेट करिए। ऑब्वियस सी बात है, जो एफएम मॉड्यूलेटर का आउटपुट होगा वो आपका एफएम सिग्नल ही होगा। तो यहां पर जो आपको फ्रीक्वेंसी डेविएशन दैट मींस डेल एफ कैलकुलेट करना है, यहां पर आपके पास और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, ना तो आपको मैसेज सिग्नल के बारे में कुछ बताया गया है, ओके, ना ही आपको फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी जिसे हम केएफ के नाम से जानते हैं उसके बारे में कुछ बताया गया है। तो यहां पर आप डेल एफ कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। यहां पर आपको बीटा की भी इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्चुअल में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के फर्स्ट वीडियो की जरूरत होगी, जहां हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जनरल एक्सप्रेशन डिराइव किया था, फर्स्ट क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। वहां पर याद होगा जब हम लोगों ने जनरल एक्सप्रेशन डिराइव किया था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, तो हम लोगों ने मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कुछ इस तरह से डिफाइन किया था, एस टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई आई टी, ओके, और हम लोगों ने फाई आई टी की वैल्यू कैलकुलेट की थी बाय ओमेगा आई डी टी, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा आई डी टी, ओके, और हमें ओमेगा आई या एफ आई की वैल्यू पता थी ऑलरेडी से, एफ सी प्लस के एफ एम टी, ओके, ये कंसेप्ट हम दोबारा यूज करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये डेरिवेशन करा चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा से आपको डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बट कंसेप्ट आपका यही था। आपने मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कॉस फाई आई टी के फॉर्म में लिखा था, और फाई आई टी और ओमेगा आई के बीच रिलेशन था कि फाई आई क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा आई, ओके, ओमेगा आई मींस एफ आई मींस सेम है, ओमेगा आई अपॉन 2 पाई इज एफ आई, और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए, एफ सी प्लस के एफ एम टी, ओके। तो यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर हमें रिवर्स प्रोसेस परफॉर्म करना है। यहां पर आपको फाई आई टी की वैल्यू एक्चुअली गिवन है, देख सकते हैं फाई आई टी कितना है, 2 पाई इंटू 2000 टी प्लस 40 टी का स्क्वायर, ओके, तो आप फाई आई टी को यहां से लिख लीजिए, फाई आई टी कितना हो गया, 2 पाई इंटू 2000 टी प्लस 40 टी का स्क्वायर, ओके, ये आपको गिवन है यहां पर फाई आई टी। नाउ हमें पता है कि फाई आई टी जो होता है वो ओमेगा आई का इंटीग्रेशन होता है, दैट मींस ओमेगा आई कितना हो जाएगा आपका, फाई आई टी का डिफरेंशिएशन, ओके, तो यहां पर अगर मैं ओमेगा आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो ओमेगा आई आपका आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए आप इस इक्वेशन को, कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 2000, कॉन्स्टेंट है टी का डिफरेंशिएशन 1, नाउ 40 कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, तो यहां पर आ जाएगा आपका 80t, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन को अगर मैं 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो मुझे एफ आई मिल जाएगा, एफ आई कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 40 अपॉन पाई टी, क्लियर है पॉइंट। नाउ हमें पता है एफ आई क्या होता है, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं एफ सी प्लस के एफ एम टी, ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि जो एफ सी है वो 2000 है, और चेक कर लीजिए आप, आपको न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है एफ सी 2000, तो बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है आपका। तो जो के एफ इंटू एम टी है आपका वो कितना हो जाएगा आपका 40 अपॉन पाई इंटू टी, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। नाउ ये जो के एफ इंटू एम टी है वही आपका क्या शो करता है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो एक तरह से आपका जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है यहां पर वो कैलकुलेट हो गया है,
frequency deviation is equal to 40 upon pi into t. Clear है point अच्छे से? तो ये questions आपसे बनने चाहिए, ठीक है ना? आपने जो theory पढ़ी है, उसको आपको reverse order में use करना आना चाहिए. Clear है point अच्छे से? Now इसी pattern पे मैं एक और question लेने जा रहा हूँ, आपके concept को और अच्छे से clear करने के लिए. Question number 3, यहाँ पर फिर से आपको जो carrier है, वो given है 2 kilohertz, okay? और आपको FM signal का जो output है, या FM modulator का output जो FM signal है, वो आपको given है यहाँ पर cos 2 pi into 2200 t, okay? ये आपको given है यहाँ पर. Clear है point अच्छे से? Now again आपको same है, आपको frequency deviation ही calculate करना है. Last question मैं फिर से repeat कर रहा हूँ आपके understanding के लिए. तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आपको phi i t कितना given है अब? 2 pi into 2200 t, okay? जब आप omega i calculate करेंगे, तो आप क्या करेंगे? Phi i t का differentiation करेंगे, ठीक है? T के respect में, तो omega i कितना हो जाएगा? देखिए आप, 2 pi into 2200, क्योंकि T का differentiation क्या होता है? 1 होता है, constant आपका as it is रह जाएगा. Now, आपको पता है, कि जो fi होता है, वो क्या होता है? Omega i upon 2 pi, तो कितना हो जाएगा? 2200, ओके? Okay? fi का आपको formula पता है, क्या होता है? fc plus kfmt, ओके? तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका जो दो टर्म होने चाहिए थे, fc भी होना चाहिए था और kfmt होना चाहिए था, और लास्ट क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो यहाँ पर आपके दो टर्म हैं, 2000 आपका fc था plus kfmt था, लेकिन यहाँ पर आपका एक ही टर्म है. इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि आपको इस 2200 को ब्रेक करना होगा, ओके? तो जब आप 2200 को ब्रेक करेंगे, आपको क्वेश्चन में पता है fc कितना है? 2000 है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं. देखिए, fi 2000 plus टोटल कितना है आपका? 2200 means 200, ओके? तो इसकी मीनिंग क्या होगी आपकी? जो kfmt है, जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है आपका, वो आ जाएगा आपका 200 हर्ट्ज. क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो यहां पर आप इस तरह से कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कैरियर सिग्नल सीटी एंड मैसेज सिग्नल एमटी गिवन है. कैरियर सिग्नल आपको गिवन है 10 cos 2 pi into 10 की पावर 60 एंड मैसेज सिग्नल MT आपको गिवन है 8 cos 2 pi into 10 की पावर 3t, ओके? और आपको बोल रहा है कि both CT एंड MT आर यूज्ड टू जनरेट FM, मींस इन दोनों का यूज करके आप FM सिग्नल जनरेट कर रहे हो. क्लियर है पॉइंट? तो both CT एंड MT आर यूज्ड टू जनरेट FM. नाउ आपको बोलता है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है एफएम में, वो आपकी 4 टाइम्स है एएम बैंडविड्थ के रेस्पेक्ट में, ओके? तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन मींस डेल एफ इज 4 टाइम्स ऑफ एएम बैंडविड्थ, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ओके? नाउ आपको बोला है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन द रिजल्टिंग एफएम एक्सप्रेशन. आपको एक टर्म दिया हुआ है, वो टर्म है आपका cos 2 pi into 10 की पावर 3 into 10160, ओके? ये टर्म आपको गिवन है, बोल रहा है find the coefficient या amplitude of this term in the resulting FM expression, ठीक है? तो आपको एक carrier signal गिवन है, एक message signal गिवन है, दोनों का use करके आप FM signal बना रहे हैं, frequency modulated signal. दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो 4 टाइम्स है एएम बैंडविड्थ के, और आपको बोला गया है कि जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक्सप्रेशन आएगा आपका, उसमें एक टर्म है cos 2 पाई 10 की पावर 3 इनटू 10160, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो अगर मैं सॉल्यूशन पार्ट इसका देखूं ध्यान से, तो आप देखिए डेल एफ, डेल एफ क्या दिया है आपका? 4 इनटू एएम बैंडविड्थ, एएम मींस अगेन बेसिक डीएसबी एफसी डबल साइड बैंडविड्थ फुल कैरियर,
क्या होती है बैंडविथ? 2 FM हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है? तो 2 FM है, तो FM की वैल्यू क्या है? देखिए आप, FM की वैल्यू है आपकी 2π × 10³ / 2π, ठीक है ना? ओमेगा दिया है तो 2π से डिवाइड कर देंगे तो F आ जाएगा कितना है, 1 kHz। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको बीटा ही कैलकुलेट करना है तो आपको FM की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। बीटा क्या होता है? डेल F अपॉन FM कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना? FM की वैल्यू हम क्यों पुट करें, अल्टीमेटली आंसर तो आपका 8 ही आना है, ठीक है? तो यहां से आपका बीटा कैलकुलेट हो गया। अब आप देखिए, अगर आप यहां पर जनरल एक्सप्रेशन देखें FM का, वाइड बैंड FM का, क्योंकि बीटा ग्रेटर देन है 1, तो आपका वाइड बैंड FM है, तो उसका अगर जनरल एक्सप्रेशन हम लोग देखें तो जनरल एक्सप्रेशन होता है वाइड बैंड FM का AC सिग्मा n इक्वल टू माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट JN बीटा cos 2π FC प्लस n FM इंटू टी। ओके, तो यहां पर आप समझिए कि यहां से आप एक टर्म लिख सकते हैं जो जो आपको पता है, जैसे AC की वैल्यू कितनी है आपको, 10 है, तो आप एक काम करिए, डायरेक्ट यहां से आप AC को पुट कर दीजिए 10। ओके, तो 10 देन सिग्मा n इक्वल टू माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट JN बीटा और बीटा कितना है, बीटा आप निकाल चुके हैं 8 है, cos 2π, ठीक है? FC कितना है आप देखिए, FC है आपका 10^6 और FM कितना है, 10^3, तो आप लिख दीजिए यहां पर 10^6 प्लस n इंटू 10^3। ओके, हमने यहां सारी वैल्यूज पुट कर दी। नाउ आपको कहा क्या गया है, देखिए आपको कह रहा है कि cos 2π इंटू 10^3 इंटू 1016 इंटू टी का आपको एम्पलीट्यूड चाहिए, इस टर्म का एम्पलीट्यूड चाहिए। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि n की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, यहां पर cos 2π इंटू 10^3 इंटू 1016 इंटू टी जनरेट होगा, ठीक है ना? तो n की ऐसी कौन सी वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करें कि वो आपका जनरेट हो जाए, ठीक है? और वो जो टर्म जनरेट होगा उसी का एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, 10 × JN8। तो अगर आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको यहां पर भी आप n पुट कर पाएंगे JN8 में, ठीक है? तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं यहां पर 10^6 प्लस n 10^3 को इस वाले cos के अंदर जो टर्म लिखा है उसके इक्वल करूं, 10^3 इंटू 1016, 10^3 इंटू 1016, 2π 2π दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो मैं ले नहीं रहा हूं 2π को, ठीक है? तो यहां से हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी कि किस n की वैल्यू के लिए आपको कॉफिशियंट कैलकुलेट करना है एक्चुअल में, ठीक है? तो आप देखिए 10^6 प्लस n 10^3, ठीक है? आपको 10^6 के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है? तो आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं 10^3 इंटू 10^3 दैट इज 1000 प्लस 1016 हो जाएगा। तो अगेन 10^6 प्लस n 10^3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 10^6 प्लस 16 इंटू 10^3। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो आप कंपेयर कर सकते हैं यहां पर n की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 16, ठीक है? क्लियर है? तो जो आपका टर्म है वो टर्म क्या हो जाएगा, आप देखिए यहां पुट करेंगे n की वैल्यू 16 तो क्या आएगा, cos 2π, ठीक है? 10^6 प्लस 16 10^3, वही टर्म क्रिएट हो जाएगा जो आप चाहते हैं, cos 2π 10^3 इंटू 1016 इंटू टी। ओके, तो इसका एम्पलीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, AC 10, ठीक है? तो कॉफिशियंट यहां लिख सकते हैं आप लोग 10 JN 8, n कितना है 16, J 16 8, ये आपका आंसर आ जाएगा यहां से, ठीक है ना? आपको जिस टर्म का कॉफिशियंट कैलकुलेट करना था वो आपने कैलकुलेट कर लिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको यहां पर जनरल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए था किसका, वाइड बैंड FM सिग्नल का। ओके, क्लियर है पॉइंट अच्छे से? नाउ इस वीडियो को अब मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरेशन ऑफ FM सिग्नल स्टडी करेंगे, वाइड बैंड FM सिग्नल। ओके, और अगर इस वीडियो में या लास्ट वीडियो में जो हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं FM के लिए, उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।